नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वेल्डर ट्रेड का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था दोस्तों 12 अगस्त 2022 को, तो उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो अगर आप लोग वेल्डर का एग्जाम देने जा रहे हैं ITI का CVT का, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और ये देखिए इसका जो आपका फॉर्मेट है, इसमें ट्रेड थ्योरी को आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, और इम्प्लायबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट इन टू द हैंडल फॉर टाइटली। हथौड़े का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है? तो देखिए हथौड़े का जो भाग हैंडल में फिट टाइटली फिट किया जाता है दोस्तों, वो रहता है वेज, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेज। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के ज्वाइंट बनाए जाते हैं? तो देखिए GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा जिस प्रकार के ज्वाइंट बनाए जाते हैं, वो रहते हैं आपका बट वेल्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बट वेल्ड। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है? देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का जो स्रोत है दोस्तों, वो है आपका मैकेनिकल हीटिंग। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक सेट कराया हुआ है वेल्डिंग का, अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल हीटिंग यानी कि यांत्रिक तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप्स आर देयर। माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? तो देखिए माइल्ड स्टील पाइप के जो समूह होते हैं वो रहते हैं दो। तो माइल्ड स्टील के दो समूह होते हैं, टू ग्रुप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूट गैप। रूट गैप का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रूट गैप का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू इंक्रीज पेनिट्रेशन, पैट बढ़ाने के लिए किया जाता है रूट गैप का प्रयोग। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द GMAW। GMAW में दोस्तों एक्स पार्ट ये जो है इसका नाम आपको बताना है। तो GMAW में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका नॉजल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज इम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटाइलनेस इन ए चीजल। चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है? तो देखिए चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए जो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है वो है आपका टेम्परिंग। आठवां क्वेश्चन है, विच इज द ओनली वेल्डिंग पोजिशन इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है? तो यह दोस्तों आपका वर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? वो रहता है आपका शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन यूज्ड इन SAW। SAW में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है? देखिए SAW में जिस पोजीशन का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका फ्लैट एंड होरिएंटल। तो फ्लैट और होरिएंटल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है? तो ये रहता है दोस्तों कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का जो कोण रहता है वह 80 से 90 डिग्री रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड ऑन प्रिपेयर्ड होल ऑफ ओवरलैप ज्वाइंट। ओवरलैप ज्वाइंट के लिए तैयार होल पर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है? यह रहता है आपका प्लग और स्लॉट वेल्डेड। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन फिलेट वेल्ड शो। ये जो आपको फिलेट वेल्ड दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है एक्स रूप में जो है, तो ये जो है आपका कहलाता है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की दिशा है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजिशन इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजिशन कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वर्न वाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं? तो ये रहता है दोस्तों आपका हेलमेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग केबल।
वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग केबल में जो धातु उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका कॉपर यानी कि तांबा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल? स्टेनलेस स्टील धातु को कटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए जो प्रक्रिया यूज किया जाता है वह रहता है आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रिया में जो रूट गैप होता है यह दोस्तों बिफोर वेल्डिंग स्टेज यानी कि वेल्डिंग चरण से पहले निर्धारित किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द गैसेज मिस्ड फॉर शील्डिंग इन एफ सी ए डब्ल्यू? एफ सी ए डब्ल्यू में शील्डिंग के लिए मिश्रित गैस कौन सी होती है? तो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सीओ टू होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट? विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? तो यह दोस्तों नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज इन टी आई जी वेल्डिंग? तो टी आई जी वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस स्पार्ट वेल्डिंग इज बिलोंगिंग? वेल्डिंग प्रक्रिया स्पार्ट वेल्डिंग किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए बल्क एट वेल्ड ज्वाइंट? वेल्ड ज्वाइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया एक उभार पैदा करती है? ये रहता है आपका फ्लैश बट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैश बट। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व? सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका स्पिंडल की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्पिंडल की। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज जनरली यूज इन जी एम ए डब्ल्यू? जी एम ए डब्ल्यू में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जी एम ए डब्ल्यू में आमतौर पर जो ऑपरेशन यूज किया जाता है वह सेमी ऑटोमेटिक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पार्ट वेल्डिंग मशीन? स्पार्ट वेल्डिंग मशीन में ये जो एक्स भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका कहलाता है पीवोट पॉइंट। तो पीवोट पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पीवोट पॉइंट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट का प्रकार क्या है? तो यह आपका दोस्तों बट ज्वाइंट। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विथ पिच 0.8 mm? 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है? तो यह दोस्तों आपका फाइन। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइड? एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आउटर डायमीटर इंटू इनर डायमीटर इंटू लेंथ। तो बाहरी डायमीटर और इनर डायमीटर और लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डेड किया जाता है? तो यह पाइप एंड राउंड रॉड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द सबमर्ज डार्क वेल्डिंग? सबमर्ज डार्क वेल्डिंग में दोस्तों यहाँ पर जो एक्स भाग दिखाया गया है ये वाला, ये क्या है? तो ये है दोस्तों आपका ऑटो टार्च है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर ए डब्ल्यू एस इलेक्ट्रोड कोडिंग? ए डब्ल्यू एस इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को दर्शाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड? किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? यह रहता है दोस्तों लॉन्ग आर्क लेंथ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड? नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता उपयोग की जाती है? तो देखिए नंगे तार इलेक्ट्रोड में जो ध्रुवता उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि सीधी ध्रुवता। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूजन जोन? फ्यूजन जोन क्या है? तो यह दोस्तों सरफेस ऑफ द ज्वाइंट, संयुक्त की सतह है फ्यूजन जोन। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल आर मोस्टली ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल की सबसे अधिक जोड़ा जाता है? तो रहते हैं डिस सिमिलर मेटल यानी कि भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़ा जाता है फ्रिक्शन वेल्डिंग में। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टन एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग?
उष्मोपचार प्रक्रिया कौन सी होगी जहां पर पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो रहता है दोस्तों अनीलिंग। ठीक, तो अनीलिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीड्यूर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह रहता है ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन करा है, व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेट कंटेंट इन ए बॉडी? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग मास यानी कि द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट धारा की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई होता है दोस्तों एम्पियर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व तो कहते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ये होता है दोस्तों जूल। दोस्तों देखिए जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है उसका दोस्तों मैं क्लास करा रहा हूँ, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन ए 1 इंच? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये होते हैं 25.4 mm होते हैं, 1 इंच में 25.4 mm। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन, इसमें से पहला क्वेश्चन कर है, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस? एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये आपका सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड? मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? तो देखिए आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की तरह बना, जो कि ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज रहे, समद्विबाहु यानी कि इस तरह का अगर तीर दिख रहा है तो वो वाला आपका सही माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल? तो ये लकड़ी का यहाँ पर ये डंडी है और ये यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, गोल की तरह एक पिन दिख रहा है, ये गोल की तरह है तो गोल है तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर है। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम द टूल? इस टूल का नाम क्या है? तो ये कहलाता है आपका ओपन एंड स्पैनर। पांचवा क्वेश्चन है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड? मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो वो दोस्तों है आपका ये वाला आयाम सही तरीके से दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइन बी? ये जो लाइन बी है किसको दर्शाता है? ये जो लाइन बी है दोस्तों ये बताता है डायमेंशन ऑफ लाइन को। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपका शुरू होता है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब देखिए इम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर का जो है वो चेंज हो चुका है, तो ये पुराना जैसे पिछले साल का पेपर है तो अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया आ चुका है, तो ये पुराना क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। ठीक, क्योंकि वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल चेंज हो चुका है इसलिए मैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक, नया जो PDF है दोस्तों, नया PDF दोस्तों आपको क्या करना है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो नया PDF है आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा वर्कशॉप, यहाँ पर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया PDF यहाँ मिलेगा, ITI इम्प्लॉयबिलिटी स्किल निम्न PDF फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।